तैयार है। ये ट्रेन एकदम नई नवेली है, इसमें तमाम फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो आपने देखे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशी सैलानी हैं उनकी सुविधाओं का खास ख्याल इसमें रखा गया है। और इसके बारे में और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं IRCTC की डायरेक्टर रजनी हसीजा जी, आज तक में आपका स्वागत है। मैम, ये ट्रेन में आपने क्या क्या नई चीज़ें दी हैं? ट्रेन तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेकी एकदम ब्रांड न्यू है। इसकी एक्सटीरियर देखिए, एक्सटीरियर बिल्कुल भारत की जो विविधताओं को मैच करती हुई है, जहाँ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उन सबको हमने विनाइल रैपिंग के माध्यम से ट्रेन पर लाने की कोशिश की है। जो आस्थाएं हैं हमारी, हमने उनसे भी लिंक करने की कोशिश की है। तमाम चीज़ों को आपने यहाँ दिखाया है, जैसे जी मधुबनी आर्ट से लेकर हमने पूरी कोशिश की है कि हम लिंक करें। अगर आप गाड़ी के बाहर देखेंगे, गाड़ी के अंदर देखेंगे, तो आपको खुद ही अंतर महसूस होगा कि बाकी ट्रेनों से ही एकदम भिन्न है और बिल्कुल टूरिज्म की थीम को मैच करती है। अच्छा, कितने दिन का टूर है इसका और अंदर चलें अगर हम लोग, बेहतर होगा हमें लगता है। आइए मैम, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन, खासतौर पर अगर बुद्धिस्ट देशों की बात करें तो ज़्यादातर देश उसमें हम कह सकते हैं कि इस तरीके के हैं कि जिनको हम कह सकते हैं डेवलप्ड नेशन है। और यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसमें चीज़ों को दिखाना चाहें तो कई चीज़ों को दिखा सकते हैं। और यहाँ पर मैम, ये फर्स्ट ऐसी है जी, तो इसमें क्या बदलाव किया आपने? फर्स्ट एसी में इसका एक तो जो पर्दों का जो एक्सटीरियर है वो कलर स्कीम को हमने मैच कराया है। अच्छा, कलर स्कीम को मैच कराया है। और अगर अंदर आप कोचेज में देखें तो ये कोच अभी तैयार नहीं की गई है, गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जहाँ बेड लेट है। अच्छा दूसरी अगर हम जहाँ पर पूरी तैयारी की, क्योंकि अभी ये ट्रेन चली नहीं है, ये आगे जाएगी, तो यहाँ पर वो जो तैयारियाँ हैं उसको दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी इसका जो लिनन है वो काफ़ी अपग्रेडेड है। जैसे कि आप देख रखे हैं कि जो सीढ़ी के नीचे का खाली स्पेस है वहाँ हमने डिजिटल लॉकर देने की व्यवस्था की है। मतलब डिजिटल लॉकर भी है, मतलब जो इसमें लोग रहेंगे उनका सामान एकदम सेफ रहेगा जी। अच्छा, दूसरी बात थी कि मैं देख रहा था कि ये अलग है कुछ जी है। आप इनको फील करके देखिए, आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता हुआ लेना है। यानी इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें देने की कोशिश की गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि तमाम वो चीज़ें जिनको अमूमन टूरिस्ट कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि इंडिया में कहीं वो हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें सेकेंड एसी की जब हम बात करते हैं, तो मैम सेकेंड एसी की बात करें तो उसमें जो है किस तरीके की चीज़ें आपने दी? सेकेंड एसी कोच में हमने साइड बर्थ को हटाया है और साइड बर्थ को हटाकर हम लोगों ने उसकी जगह दो सोफास लगाए हैं और जो बीच के स्पेस को हम लोगों ने बुक शेल्फ और उसके लिए यूटिलाइज किया है, जहाँ हमने कस्टमर को एक सोफा दिया है और रिलैक्स करने के लिए फुट मसाजर वगैरह की सुविधा दी। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, ये क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं, ये फायर सेंसर? यस, ये उसका फायर डिटेक्शन का एक नया सिस्टम है जो बहुत ही सेफ सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा CCTV भी लगी हुई है? जी, CCTV भी है। ये इसको वेसेडा कहते हैं, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन सिस्टम। अच्छा, एज यू कैन हियर इट हैज अ गुड, वेरी गुड PA सिस्टम व्हिच इज बीइंग टेस्टेड नाउ। अच्छा, तो इसके अलावा इसमें बायो टॉयलेट भी है जी। आप समझ सकते हैं बायो टॉयलेट भी इसमें दिए गए हैं और हर एक डिब्बे के अंदर यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं। और इसमें फिसले ना, इसका खास इंतजाम किया गया जी। हाँ, इसमें मैट लगाई गई है, मैट लगाई गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, वाशरूम भी है यहाँ पर पास में, अगर एक बाथरूम इसमें वॉश एंड चेंज की फैसिलिटी, क्योंकि इस गाड़ी में यूज होती है, तो हमने इसमें शावर वगैरह क्यूबिकल वगैरह बनाने के लिए हमने एक प्रयास किया ताकि गेस्ट को जो है इन केस ही वांट्स टू हैव अ बाथ एटसेट्रा वी कैन प्रोवाइड। अच्छा, इसके अंदर जो है फर्क है सारी चीज़। तो मैं पहले किस तरीके का हुआ करता था, उससे तमाम सुविधाएं बढ़ाई हैं आपने? जी हाँ, अपग्रेड किया, हर अपग्रेड किया है। तो यहाँ पर मैं आपको, ये मैम इधर क्या है, हमको लगता है रेस्टोरेंट टाइप का है कुछ, क्या है ये? आपका रेस्टोरेंट है, इट्स अ रादर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, क्योंकि अभी तो जो है बाकी सब लोग भोजन वगैरह कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, इस तरह की डाइनिंग कार आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। तो मैम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है, खाना चल रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं खास तरीके का कालीन है और जो लोग हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर थोड़ा हम अगर आगे आए तो देख सकते हैं कि वेनेशियन डिफरेंट तरीके के कर्टन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब बटन दबाइए ऊपर नीचे हो जाए। ये थोड़ा सा हमने बिकॉज खाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो गेस्ट हैं वो अपना आनंद लेते रहें और विदाउट इनकन्वीनियंट होते हुए जो है ट्रेवल भी करते रहें और खाते रहें। अच्छा, इसके
अलावा अगर हम लाइटिंग की बात करें तो सारी एलईडी लाइटिंग है ये। जी हाँ, ये एलईडी लाइटिंग लगाई है। एलईडी लाइटिंग लगाई और इसकी अगर हम ये पूछें कि जो है फर्स्ट एसी में जो है ट्रेवल में कितना पैसा लगता है? $165 पर। मतलब एक कॉस्टली टूर है ये। अच्छा, कहाँ कहाँ ले जाते हैं आप लोग? हम लोग ले जाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टूर दिल्ली सफदरजंग से। उसके बाद हम लोग ले जाते हैं बोध, पहला स्टॉप हमारा बोधगया। बोधगया में एक दिन होटल स्टैंड, एक दिन होटल हम ड्रॉप करते हैं। वहाँ से हम राजगीर नालंदा ले जाते हैं, फिर राजगीर नालंदा से हम लोग बनारस लेके आते हैं जहाँ सारनाथ का हम लोग डेस्टिनेशन कवर करते हैं। सारनाथ से फिर हम लोग जो हैं लुम्बिनी आते हैं, लुम्बिनी से हम लोग फिर कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद हम जो है आगरा कवर करते हुए। अच्छा, तो इसमें जो सैलानी आते हैं वो किन किन देशों से ज़्यादा रहते हैं? चाइना, चीन से, ताइवान से, वियतनाम से, कोरिया के भी लोग हैं। इस बार यूएसए से भी काफ़ी लोग आए हैं और ये गाड़ी भारतीयों में भी काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें जिसको बुद्धिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्या गाइड वाइड भी देते हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, इसमें लैंग्वेज स्पीकिंग गाइड जो है वो इस ट्रेन का इंक्लूसिव है। अगर हमारे पास कोई बड़ा ग्रुप आ जाता है तो हम लैंग्वेज स्पीकिंग गाइड भी उसी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। अच्छा, जो लोग आते हैं मान लीजिए चाइनीज है तो चाइनीज खाना मिलेगा? चाइनीज, जहाँ तक क्यूजिन का सवाल है, हम लोगों ने इंटरनेशनल क्यूजिन पूरा डालने की कोशिश की है। 100% चाइनीज तो नहीं, बट काफ़ी चाइनीज फ्लेवर के साथ, क्योंकि मैंने हम लोगों ने अपने अनुभव से ये नोट किया है, हम लोग महाराजा एक्सप्रेस भी चलाते हैं, कि जो विदेशी सैलानी है वो हमारा हिंदुस्तानी भोजन भी करना पसंद करते हैं। तो जो हमारे हिंदुस्तानी भोजन की जो विशेषताएँ हैं, जो नॉनवेज और वेजिटेरियन जो डेलिकेसी है, वो भी हम जरूर अपने गेस्ट के लिए प्रेजेंट करते हैं, एंड दे आर वेरी पॉपुलर। आज तक से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं और इसमें जो बदलाव किए गए हैं कहीं ना कहीं विदेशी सैलानियों को काफ़ी पसंद आएंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।